friends, this is Amit Sahu and I am the founder of IFSAH. Right now I am in Hyderabad and we are having a small little camp in Yasin's house. Yasin is sitting just beside me and before he starts speaking, I would like to tell something about him. We met like years back. I was here in Hyderabad. He met me in a wedding and I saw him that he was stuttering like a hen. So since then, he never took a therapy, but we were always in contact. And it's now that he's having his first therapy. And after completing his course, he would like to say something. His therapy was so bad, his disfluency was so bad that he used to get facial distortion, lips, tongue, jaw, everything. Every issue he had. So abhi wo hamare saath hai aur wo bolega apne bare mein. मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा एंड ही विल आंसर. तो यासिन ने बताइए आप हैदराबाद में क्या कर रहे हो और आपकी एज कितनी है? आई एम एन इंजीनियर इन हैदराबाद. मेरी एज 22 इयर्स है. वेरी गुड. तो ये सिर्फ 22 साल के हैं और ये ही इज एन इंजीनियर. आप बताइए आपने 4 दिन जो कोर्स करी, फर्स्ट हमने थेरेपी आपके रूम में ही थी और इसके बाद हम आपको बाहर लेके गए, ठीक है? बाहर में आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी? बाहर में मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी. आई हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट फ्रॉम आउटडोर स्पीकिंग. ओके, मैं इसे क्वेश्चन पूछूंगा कुछ और. अभी आप यहाँ पे थे 4 दिन में, आप जब बाहर गए आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी? लाइक अराउंड 80-90% इफेक्ट लाइक मुझे कैम. जोर से बोलो आप. लाइक 80-90% इफेक्ट लाया मुझे कैम. लाइक 80-90% इफेक्ट लाया मुझे कैम. सो आप फोन में अभी जब बातें कर रहे हो, आप आपकी इम्प्रूवमेंट कैसी फील हो रही है फोन पे? मैं बहुत फ्लुएंट हो गया हूँ फोन पे. सो ही इज यासिन, ही स्पीक्स लेस एंड आई एम द पर्सन हु स्पीक्स अ लॉट. सो एज ऑलवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टू सब्सक्राइब. यहाँ पर जो मेरा फर्स्ट डे था, वो वक्त मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, लेकिन फोर्थ डे में मैं बाहर जाकर भी मोबाइल मार्केट गया था और वहां पर जाकर मैंने दुकानदारों से बहुत अच्छे वे में बात की है और यहाँ पर स्पीच थेरेपी लेने के बाद अब मुझे बहुत ज्यादा बूस्ट अप और कॉन्फिडेंस फील हो रहा है. ओके, सो अभिषेक ने प्रैक्टिस करी. राइट नाउ सो इज नॉट यूजिंग द टेक्निक दैट वेल. टेक्निक्स लगाना एक स्किल होती है और जो बंदे स्किल्स को कर पाएंगे उनकी फ्लुएंसी लॉन्ग टर्म की मेंटेन रहती है. अभी जिसने बात करी इसने बहुत गलतियां भी करी होंगी और हमारी फॉर्मेशन ज्वाइन कीजिए. ओके देन, बाय बाय.